इस वजह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में लेक्चर नंबर 2 में हम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। बच्चे जो अभी तक फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा वो रेट डिफरेंशियल रेट मेथड के थ्रू था। अब डिफरेंशियल रेट मेथड में हमारे को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही थी, जैसे कि इंस्टेंटेनियस रेट बच्चे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जज किया जाता था और इतना माइन्यूटली डिफरेंशियल रेट मेथड से जज करना रेट को, इंस्टेंटेनियस रेट को स्पेशली, मुश्किल हो रहा था। और रेट की एक्चुअल रेट एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पा रहा था। तो हमने डिफरेंशियल रेट मेथड को और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने में भी डिफिकल्टी आ रही थी। तो हमने क्या किया, डिफरेंशियल रेट मेथड को इंटीग्रेटेड रेट मेथड में कन्वर्ट करने के लिए डेरिवेशंस कर, ठीक है। तो कैसे हमने ड्राइव किया इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन को फ्रॉम डिफरेंशियल रेट मेथड, वो करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं रिएक्शन ले रहा हूं, जो मैं कंसेप्ट ले रहा हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हम बेसिकली डिफरेंशियल रेट मेथड से इंटीग्रेटेड रेट मेथड ऑफ जीरो ऑर्डर में जाएंगे। देखिए कैसे जाएंगे, ध्यान देना जरा। सबसे पहले अगर रिएक्टेंट टेंड्स टू प्रोडक्ट से तो रेट क्या होगा, के जीरो जीरो स्टैंड फॉर जीरो ऑर्डर, आर रेज टू पावर जीरो, ठीक है। अब और क्या हो सकता है, रेट माइनस डी बाय डी टी आर, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, ये बात। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम रेट कांस्टेंट के थ्रू भी फाइंड कर रहे हैं और एक और मेथड मैंने कराया था जिसमें रिएक्टेंट जो है वो नेगेटिव साइन से डिनोट करता है, ठीक है। तो माइनस डी आर बाय डी टी, ठीक है, इक्वल टू के नॉट आर इज फॉर जीरो इज वन, एनीथिंग इज फॉर जीरो इज वन, यहाँ पे वन आ जाएगा। डी टी उस साइड ले जाए ठीक है। तो ये जिस टाइम आ गया आपका पार्ट, अब हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं, ठीक है। बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आ गया। कॉन्स्टेंट बार आ गया, क्लियर ये बात। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर देगा, क्या आएगा माइनस आर, ठीक है। हम इधर आर नॉट भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, आर आ गया, के नॉट इंटू टी प्लस आई, आई इज इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ने डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर दिया, आई आ गया हमारा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन फर्स्ट हमने माना, ठीक है। आगे देखिएगा,
when t equal to 0, which is जब reaction start ही नहीं हुई तो reactant तो react ही नहीं हुई तो आपका R क्या हो जाए, T तो जीरो हो गया, R माइनस R नॉट ले लिया, दिस इज दिस मीन्स इनिशियल रिएक्टेंट, नॉट मीन्स इनिशियल रिएक्टेंट, यहां पे K नॉट इंटू जीरो इज जीरो इक्वल टू I बच गया, तो हमने वेन T इक्वल टू जीरो I की वैल्यू फाइंड कर, क्लियर। अब हम I की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा R नॉट इस साइड ले जाइए, आगे तो यहां से हम K नॉट फाइंड कर सकते हैं, क्या आएगा R नॉट माइनस R अपॉन T, ये हम सेकेंड एक्सप्रेशन कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है, क्लियर है बच्चे, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अब अगर हम मान लीजिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ध्यान देना, फ्रॉम वन, वन से देखिए बच्चे, ये एक्सप्रेशन थी वन की, नेगेटिव साइन उस साइड ले जाइए, या फिर लेट अस सपोज R क्या हो जाएगा माइनस K नॉट T माइनस I, ये एक्सप्रेशन आ जाएगी, ठीक है। फिर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करके देखिए, कॉन्स्टेंट y ठीक है, तो ये आपका इनिशियल रिएक्टेंट या फिर रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ R x एक्सिस पे टाइम t, ये x एक्सिस हो गया। अब स्लोप बच्चे नेगेटिव आ रही है, मैंने पहले भी बताया जब भी स्लोप नेगेटिव होगी तो ग्राफ नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, हमेशा ऊपर से नीचे जाएगा, ऐसे ठीक है। तो स्लोप के आगे माइनस के नॉट, ठीक है, नेगेटिव स्लोप आ रही है, क्लियर है। तो ये बच्चे आपका एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, आई की वैल्यू आर नॉट पुट करेंगे माइनस आई है ना बच्चे, तो आर नॉट रह जाएगा, तो आप इसको इंटरसेप्ट को आर नॉट ले सकते, कॉन्स्टेंट है ना इनिशियल रिएक्टेंट, तो अगर टाइम टी जीरो होगा लेट अस सपोज, अब देखो मुझे अगर ये नहीं भी लेना तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आप रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक। तो ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताई मैंने, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, अब इसको फर्दर हम एनालाइज करेंगे, देखिए कैसे, अगर हम
रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक लेके जाते हैं। जब टाइम जीरो है तो ये इनिशियली एक्स है, ये जीरो ले दो, ठीक है। एट टी इक्वल टू टी मतलब टाइम टी हुआ, ठीक है, टाइम क्या हुआ टी, तो यहां से कुछ खत्म होगा और यहां पे बन जाएगा। लेट अस सपोज ये वन है, ठीक है, इनिशियली तो ये जीरो है, ये वन माइनस एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो इनिशियली आर नॉट इक्वल टू वन लिया था, आर इक्वल टू क्या हो गया वन माइनस एक्स, ठीक है। इनिशियली टी जीरो था, आर नॉट क्या हो गया वन, और टाइम टी पे क्या हो गया वन माइनस एक्स। पुट करेंगे यहां पर, देखिए क्या आते हैं, के नॉट आर नॉट की वैल्यू वन है, माइनस आर की वैल्यू वन माइनस एक्स ओवर टी आर, ठीक है। सॉल्व करिए, के नॉट क्या आया वन माइनस वन प्लस एक्स अपॉन कैंसिल हुआ, तो एक्स क्या आ गया के नॉट इंटू टी। दिस इज इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये बच्चे आपको मैंने ड्राइव करवाया किस तरह से हम इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन फाइंड कर सकते, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो आप बड़े ध्यान से समझ के करेंगे तो आपको इजी लगेगा, और यही चीजें हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी इंटीग्रेटेड फॉर्म फाइंड करने के लिए भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। बच्चे हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बड़े ध्यान से समझेगा, इंपॉर्टेंट भी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वैसी स्टेप्स हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। रिएक्टेंट टेंड्स टू प्रोडक्ट्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बोलिए बच्चे रेट क्या होगा, माइनस डी आर बाई डी टी, ये मैंने बताया हमने कैसे हो K1, पहले K नॉट लिया था फॉर जीरो ऑर्डर, अब K1 ले रहा हूं, K1 ऑफ R raised to the power 1, ठीक है। अब क्या करेंगे dt उस साइड ले जाएंगे, R की कंसंट्रेशन नीचे ले जाएंगे, क्या बनेगा ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या बन जाएगा अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स क्या होता है एल एन एक्स माइनस एल एन आर रह जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स क्या होता है एल एन एक्स, तो आर की एक्स की जगह आर हुआ तो माइनस एल एन आर, वैसे ही आ गया, ठीक है। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान, ठीक है। नाउ एट टाइम टी इक्वल टू जीरो क्या बनेगा,
पी जीरो हो गया, ये कैन ये जीरो हो गया, ये पॉइंट के के वन इंटू जीरो इज जीरो। आर की जगह मैंने आर नॉट ले लिया इनिशियल रिएक्टेंट, इसका क्या मतलब है इनिशियल रिएक्टेंट सिंस रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है अभी, ठीक है। तो आई की वैल्यू पुट करेंगे इन वन क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ये पार्ट इस साइड आ जाएगा, क्या बनेगा ये आ जाएगा। सो इस एक्सप्रेशन को हम सेकंड एक्सप्रेशन मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक, अब इसी पार्ट को हम इससे अपर पार्ट को देखेंगे। मान लो इसको हमने टू मान लिया, इसको हम थ्री मान लिया, फ्रॉम टू नेगेटिव साइन उस साइड ले जाओगे क्या बनेगा, फॉर्म टू नेगेटिव साइन उस साइड लेगी तो अब वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कर दो, यू ऑल नो वाई एक्सिस इज एल एन आर, हम ले लेंगे एक्स एक्स एक्सिस टाइम टी क्या बनेगा, स्लोप क्या आ रही है नेगेटिव, फिर से ऊपर से नीचे जाएगा, स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट या ठीक है। तो ये बचे आपका हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर इंटीग्रेटेड फॉर्म। अब हम वैलिडिटी अगर चेक करना चाहे, इसकी वैलिडिटी भी चेक हो सकती है, देखिए कैसे, फ्रॉम थ्री थर्ड एक्सप्रेशन में देखिए एल एन एक्स माइनस एल एन वाई क्या होगा, ln x डिवाइडेड बाय y log की प्रॉपर्टी है, तो ln r नॉट बाय r ये लिख सकते हैं, ln r नॉट बाय r इक्वल टू k1 इनटू d, ये क्लियर होते हैं। तो अब इसके बाद अगर वैलिडिटी हम देख रहे हैं, ठीक है, ln को log में बदल दीजिए क्या आ जाएगा, टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री उधर भेजो, ठीक है। अब अगर हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करें तो क्या होगा, देखो यहां पे आप समझ रहे हैं ये y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया, इंटरसेप्ट तो जीरो आ रही, स्लोप पॉजिटिव आ रही है, कॉन्स्टेंट ओवर कॉन्स्टेंट इज अनदर कॉन्स्टेंट, स्लो पॉजिटिव आ रही है, तो क्या ग्राफ बनेगा बताइए। अगर स्लो पॉजिटिव हो, यू ऑल नो
कि हम क्या करते थे, नीचे से ऊपर ग्राफ लेके जाइए, log ऑफ आर नॉट बाय आर, यहां पे टी आ जाएगा। अब स्लोप अगर जीरो हो तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जिसकी स्लोप पॉजिटिव आती है नीचे से ऊपर, अगर इंटरसेप्ट जीरो आता तो यहां से स्टार्ट करते हैं, अगर इंटरसेप्ट कोई और होता तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ऊपर से करते हैं, जीरो पॉइंट से नहीं कर सकते। तो स्लोप क्या आ गई, अपॉन 2.30, ठीक है, इंटरसेप्ट तो है, तो ये एक्सप्रेशन फॉलो हो रही है, इस करके ये इंटीग्रेटेड फॉर्म फॉर फर्स्ट ऑर्डर वैलिड है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड एक्सप्रेशन को और ज्यादा इलेबोरेट करने की कोशिश करें। थर्ड एक्सप्रेशन देखिए कैसे, log ln अभी बताया था आर नॉट अपॉन आर हो गया, के वन इंटू टी हो गया, ठीक है। तो यहां पे 2.303 log ऑफ आर नॉट अपॉन आर इक्वल टू के वन इंटू टी, तो के वन क्या बन जाएगा, 2.303 अपॉन टी log ऑफ आर नॉट बाय, ये हमारी इंटीग्रेटेड फॉर्म आ गई, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बहुत इजी है, ठीक है। अब लेट अस सपोज, लेट अस सपोज कि हम, हमारे को टू एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग फाइंड करना, ठीक है। आई मीन टू से हम टू डिफरेंट टाइम्स पे जज करना चाह रहे हैं रिएक्शन, तो उस केस में हम कैसे प्रोसीड करेंगे, बड़े ध्यान से समझना, उस केस में कैसे हम प्रोसीड करेंगे वो बताने लगा हूं आपको। फ्रॉम थ्री, ठीक है, इसी एक्सप्रेशन में क्या हुआ था बच्चे, देखो ये माइनस आर एल एन आर है ना, और ये प्लस एल एन आर नॉट है, ये प्लस एल एन आर नॉट को दूसरी साइड ले जाओ, ठीक है, क्या बनेगा देखें, एल एन आर इक्वल टू के वन इंटू टी माइनस एल एन आर, ठीक है, ये बन जाएगा, ये नेगेटिव उस साइड, ये भी नेगेटिव, ठीक है। तो अब नेगेटिव साइन उस साइड लेके जाओगे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इज दैट क्लियर। तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग बड़े ध्यान से समझना, हम फर्स्ट रिएक्टेंट एट टाइम टी वन, एट टाइम टी वन क्या ले लेंगे, आर वन ले लेंगे, टी वन ले लेंगे, यही होगा, ठीक है। अब एट टाइम टी टू क्या आ जाएगा, एल एन आर टू माइनस के वन इंटू टी टू प्लस एल एन आर, ये तो सेम ही रहेगा कॉन्स्टेंट। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, ये बात समझ आ रही। तो मतलब दिस माइनस दिस, ठीक है, तो क्या बनेगा, एल एन आर वन माइनस एल एन आर टू,
इक्वल टू दिस माइनस दिस करने, ये तो कैंसिल हो गया, k1 कॉमन आ गया, क्या बनेगा दिस माइनस दिस करेंगे ये नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव t2 माइनस t1, तो k1 क्या बनेगा 1 by t2 minus t1 ln r1 minus ln r2. ये for two time periods हमने reaction को further modify कर दिया, ठीक है? तो ये बहुत easy है, tough नहीं है बिल्कुल भी. आपको एक और मॉडिफाइड फॉर्म बता सकते हैं, देखिए कैसे यहां पे बता रहा हूं. देखिए अगर हम लेट अस सपोज, ठीक है, हमारा यहां पे अगेन फ्रॉम थ्री, और यू कैन से दैट हम ये एक्सप्रेशन ले सकते हैं. क्या बनी है एक्सप्रेशन, एल एम आर नॉट बाय आर इक्वल टू के वन इंटू टी, इज दैट क्लियर? तो यहां से अगर हम एल एम को उस साइड लेके जाना चाहें, नेचुरल लॉ को उस साइड लेके जाना चाहें, तो बच्चे क्या एक्सप्रेशन बनती है बताइए जल्दी से. यहां पे एक बात और, हम अगर R को कंसंट्रेशन ऑफ R को ऊपर लेके जाना चाहे, R नॉट को नीचे लेके जाना चाहे, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा. ये नेगेटिव साइन उस साइड लेके जाए, नेचुरल लॉ को उस साइड लेके जाए, आर क्या बन गया यहां से तो ये एक्सप्रेशन भी हम मॉडिफाइड फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है? तो हमने कई सारी मॉडिफाइड फॉर्म पढ़ी, लेकिन एक्चुअल इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर यही है, ठीक है, दिस एक्सप्रेशन. तो ऑब्वियस है फर्स्ट ऑर्डर इसको भी कह सकते हैं, ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन को आप इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि उसी में से आ रहा है ना, ड्राइव होके उसी में से बन रहा है ना. तो इस तरह से हमने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर किया. तो आपके सिलेबस में याद रहे, आपके सिलेबस में इंटीग्रेटेड फॉर्म अगर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ सेकेंड ऑर्डर तक, फर्स्ट ऑर्डर तक ही ड्राइव करके एप्लीकेबल है, ठीक है. नेक्स्ट हम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन जो हमने जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए ड्राइव किया, ठीक है, उसकी मैथमेटिकल रिलेशंस क्या आए हैं उसको एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा. कॉलम वाइज हम बताएंगे, फर्स्ट इज टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, सेकेंड इज लीनियर इक्वेशन, that is y equal to mx plus c, ठीक है. Next is initial concentration, ठीक है, और you can say linear plot यहां पे आ जाएगा,
और फिर स्लोप नेक्स्ट स्लोप हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में फिर इंटरसेप्ट अब आपको पता है आपने एक्सप्रेशन जीरो ऑर्डर के लिए कर दिया जीरो ऑर्डर की एक्सप्रेशन क्या थी बच्चे आर यू कैन से आर माइनस के वन टी के नॉट टी प्लस आर नॉट यही एक्सप्रेशन करी थी हमने फिर लीनियर प्लॉट में क्या आया था बच्चे किसके वर्सेस किया था y एक्सिस वर्सेस x एक्सिस ये किया था स्लोप क्या आई थी माइनस k नॉट इंटरसेप्ट क्या आया था आर नॉट ये होगा ना इंटरसेप्ट ये तो था जीरो ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा आपको याद है एक्सप्रेशन हमने क्या किया था लॉग ले लीजिए या फिर आप ln भी ले सकते हैं आप log of r equal to t by 2 k1 by 2.303 plus माइनस के प्लस लॉग ऑफ आर ये आया था बच्चों टी तो अब देखें यहां पे हमने किस वर्सेस ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं किसके वर्सेस क्या ड्रॉ करेंगे लॉग ऑफ आर वर्सेस टी स्लोप क्या आई माइनस k1 अपॉन 2.303 मैं बता दूं मैंने जो करवाया था तो ln लेके चला था ठीक है ये log base 10 लेके चल रहा है ठीक है उसके अकॉर्डिंगली वही है 2.303 से डिवाइड अप करते हैं तो सारा एक्सप्रेशन सेम है बस सारी तरफ अगर 2.303 से डिवाइड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा नेक्स्ट इंटरसेप्ट क्या आया log of अब हम सेकेंड ऑर्डर का भी बता देंगे आपकी डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है इसकी लेकिन एंड रिजल्ट आप कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा वन बाय आर इक्वल टू के टी प्लस वन बाय आर ठीक है किसके वर्सेस बनाएंगे वन बाई आर वर्सेस टी तो के आ जाएगा स्लोप पॉजिटिव आ रही है इसकी इंटरसेप्ट वन बाई आर नॉट ये आपको याद करना होगा एज सच कॉम्पिटिटिव पॉइंट से भी याद करना होगा ठीक है बार बार काम आएगा अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी जज कर लेते हैं देखिए जल्दी से वैसे तो मैंने जीरो ऑर्डर की बताई थी आर वर्सेस पी का क्या था एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका ये ग्राफ था स्लोप क्या आ रहा था माइनस के वन सेकेंड ऑर्डर का सॉरी फर्स्ट ऑर्डर का दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा स्लोप अगेन नेगेटिव log r यहां से देखेंगे t स्लोप माइनस k1 by 2.30 इसमें इंटरसेप्ट क्या आ रहा था r0 ये
इसमें इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? लॉग ऑफ आर। ठीक है, यहाँ पे भी सेकंड ऑर्डर के लिए भी फाइंड करने ग्राफ बहुत इजी। आपको ये चीजें अगर पता लग जाए, स्लोप पता लग जाए, इंटरसेप्ट पता लग जाए, लीनियर प्लॉट पता लग जाए, तो कुछ भी नहीं रह गया। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, स्लोप क्या आ रही है, पॉजिटिव नीचे से ऊपर जाएगा, इंटरसेप्ट भी आ रहे हैं, तो जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते। इंटरसेप्ट अगर जीरो होता तो हम यहां से स्टार्ट करते, तो ये इंटरसेप्ट है 1/r, और ये स्लोप है -k1/2.30। तो ये बच्चे आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी हो गए, और एक कंबाइंड फॉर्म में आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से लीनियर इक्वेशन, लीनियर प्लॉट, स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के लिए फाइंड की जा सकती है। ठीक है, क्लियर। इंटीग्रेटेड फॉर्म में हमने फॉर जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा, अब हम इसकी मैथमेटिकल रिलेशन जो एंड रिजल्ट है वो देखेंगे जीरो ऑर्डर के लिए। जो आपको याद करना है बहुत अच्छे से, ठीक है, x इक्वल टू के नॉट इंटू टी फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको याद होगा क्या किया था, अब आप कहेंगे a अपॉन a माइनस x कैसे आया, बड़े ध्यान से समझिएगा, रिएक्टेंट टेंड्स टू प्रोडक्ट से, t जीरो है तो इनिशियली a ले लिया और यहाँ पे जीरो हो गया, टाइम t के लिए क्या हो जाएगा a माइनस x, ये क्या हो जाएगा x। ठीक है, तो अल्टीमेटली इनिशियली क्या है a, r नॉट लेते थे ना, r नॉट की जगह क्या ले लिया a, एट टाइम t क्या आ रहा है, r की वैल्यू क्या आ रही है a माइनस x, r नॉट अपॉन r था, r नॉट की जगह a पुट कर दिया और r की जगह a माइनस x पुट कर दिया। तो इस तरह फर्स्ट ऑर्डर की जनरल इक्वेशन इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, वही बात है और कुछ नहीं है, r नॉट अपॉन r ही है। सेकेंड ऑर्डर के लिए ध्यान से समझना, सेकेंड ऑर्डर हमने ड्राइव नहीं किया लेकिन इसकी मैथमेटिकल रिलेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, के क्या होगा 1/t 1/a-x-1/a, ये मैथमेटिकल रिलेशन आएगा। ठीक है, आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एक ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। थर्ड ऑर्डर में k 1/t 1/a-x^2-1/a, वही चीज है, स्क्वायर कर दिया इन दोनों टर्म्स को, तो आपकी थर्ड ऑर्डर भी बनती है। तो ये बच्चे आपको याद रखने हैं सारे पॉइंट्स, और अच्छे से याद रखने हैं ताकि न्यूमेरिकल्स में हमें दिक्कत ना हो। अब देखें इसके बाद बच्चे मैं आपको करवाने लगा हूं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शन में कैसे जज करें, याद रहे गैसियस फेज जब मैंने बोल दिया है तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों ही गैसियस फेज में हमें कंसीडर करना है। तो रिएक्टेंट्स
मान लीजिए ये रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट है जो कि बी और सी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। आप देखें बड़े ध्यान से कंसंट्रेशन से, गैसीय फेज था, इनिशियल प्रेशर पी आई ले लेते हैं, ये तो जीरो जीरो होगा क्योंकि अभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला ही नहीं, ठीक है, तो ऑब्वियस जीरो जीरो होगा। एट इनिशियल टी इक्वल टू जीरो है, एट टाइम टी क्या होगा, टी आई माइनस एक्स, यहां पे भी एक्स और यहां पे भी एक्स, ठीक है। तो बच्चे टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा एट टाइम टी, टाइम टी के टोटल प्रेशर क्या आएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये बन जाएगा, देखिए ध्यान से, क्लियर है, पीटी आ गया। इसके बाद x फाइंड कर लेंगे, क्या आ जाएगा pt माइनस pi, तो हमारे x आ गया तो pa क्या था और a क्या था, pi माइनस x, x की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, क्या बना pi माइनस pt प्लस pi, क्या बन जाएगा 2pi माइनस pt। हमारी एक्सप्रेशन क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर की, log ऑफ r नॉट अपॉन r, ये तो याद ही कर लो बहुत अच्छे से। तो r नॉट क्या था, इनिशियल रिएक्टेंट, इनिशियली क्या लिया था pi, और pa क्या आ रहा है, pi माइनस x था, pi माइनस x हमने कैलकुलेट किया क्या आ गया था, x की वैल्यू पुट करके 2pi माइनस pt, 2pi माइनस pt। तो ये बच्चे हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई, इसको आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में ऑब्जेक्टिव में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपको कैसे ड्राइव की गई आपको मैंने बता दी, और इंटीग्रेटेड फॉर्म में। अब इसके बाद बच्चे न्यूमेरिकल्स, इन्हीं तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे ज्यादातर, इस तरह के न्यूमेरिकल्स, इनके बेस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे फॉर्मूला बेस पे, और डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स होंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती, बस आपको लॉग और एंटी लॉग फाइंड करना आना चाहिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी, न्यूमेरिकल्स इजी लगेंगे, ठीक है। करवाएंगे भी काफी न्यूमेरिकल्स, हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, लेकिन आप भी एक बार अच्छे से फॉर्मूलाज को अच्छे से कर लीजिए।